उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में भाजपा की जीत के बाद बक्सर में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने विजय जुलूस निकालकर एक दूसरे को बधाई दी, साथ ही खूब अबीर गुलाल उड़ाए। रात को कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर पटाखे भी फोड़े गए। ऐसे में होली और दीपावली दोनों एक ही दिन देखने को मिल गई। जीत के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि उन्होंने भाजपा का झंडा हाथ में लिए बुलडोजर की सवारी कर बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत का जश्न मनाया। इसके पूर्व सुबह से ही सभी कार्यकर्ता टीवी स्क्रीन्स के सामने चिपके बैठे थे। जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में एकत्रित होने लगे। जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर ने कहा कि यूपी समेत चार राज्यों की ऐतिहासिक जीत ने बता दिया है कि जनता मोदी की नीतियों एवं नेतृत्व में विश्वास कर रही है। इस जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन चौबे के नेतृत्व में अबीर गुला उड़ा मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। इसके अतिरिक्त ढोल बजाकर फाग गायन कर भी हर्ष व्यक्त किया गया। जीत की खुशी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पुलिस चौकी तक वाहन रैली निकाली। वहीं व्यवसायी नेता शिवजी खेमका ने व्यवसायियों के साथ नगर में पैदल जुलूस निकाला। जश्न में शामिल लोगों में जिला उपाध्यक्ष पुनीत सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा DRCCU मेंबर्स सौरभ कुमार तिवारी, अनुराग श्रीवास्तव, राहुल दुबे, सौरभ चौबे, निक्कू तिवारी, रुपेश दुबे, त्रिभुवन पाठक, दीपक सिंह, ओमजी यादव, चुन्नू सिंह, मनोज पांडे, मदन जी दुबे, रमेश वर्मा, लक्ष्मण शर्मा, पीयूष प्रियदर्शी, अविनाश पांडे, शशि बावला, सुमित उपाध्याय और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रचंड बहुमत ने यह साबित कर दिया है कि देश की जनता ने विकास के सामने जाति पाति तथा अन्य भेदभावों को भुलाने का संकल्प ले लिया है। निश्चय ही यह जीत यह साबित कर रही है कि जनता को गुंडा राज नहीं बल्कि विकास की सरकार चाहिए।